नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से बात कर रहे हैं आजकल नई औषधियों को लेकर के, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित होती हैं दोस्तों। नहीं नहीं यूँ कहें कि पुरानी हैं, लेकिन उनको जो यूज करने का ढंग है वो हम बताते हैं। आप किस प्रकार से यूज करेंगे तो किस बीमारी में कौन कौन सी औषधि यानी कि कौन कौन से फल किन किन बीमारियों को दूर करते हैं दोस्तों। इसी कड़ी में हमने आज लिया है आंवले को। आइए आंवले के गुणों से वाकिफ होते हैं। कब्ज, जी हाँ दोस्तों, रात को एक चम्मच पीसा हुआ आंवला पानी या दूध से लेने से सुबह दस्त साफ आता है, कब्ज नहीं रहती है, आंतें तथा पेट साफ हो जाता है दोस्तों। यकृत में सूजन या फिर पीलिया, इसके लिए कुछ एक विधि हम आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे दूर कर सकते हैं। विधि नंबर वन, आंवले का रस चौथाई कप एक गिलास गन्ने के रस में मिलाकर पिए। इस प्रकार नित्य 3 बार पीते रहने से पीलिया ठीक हो जाता है दोस्तों। विधि नंबर टू, 50 ग्राम आंवला प्लस 50 ग्राम जीरा प्लस 25 ग्राम इलायची, सबको मिलाकर पीसकर एक एक चम्मच 3 बार गाय के दूध के साथ फंकी लेने से लाभ होता है दोस्तों। दस्त, जी हाँ दोस्तों, आइए आंवले के द्वारा हम लोग दस्त को कैसे दूर कर सकते हैं इसकी भी कुछ एक विधि पर ध्यान देते हैं। विधि नंबर वन, सूखा आंवला पीसा हुआ और काला नमक समान मात्रा में मिलाकर जल के साथ आधा चम्मच की फंकी लेने से दस्त बंद हो जाता है। दस्तों में दो मुरब्बे के आंवले खाने से लाभ होता है। ताज़ा आंवलों का रस 4 चम्मच पानी में मिलाकर पीने से भी लाभ होता है दोस्तों। सूखा आंवला भिंगो कर इसका पानी भी पिला सकते हैं दोस्तों। विधि नंबर टू, पीसे हुए सूखे आंवले में पानी डालकर पुनः पीस कर लेप बनाकर नाभि के चारों ओर 2 इंच के क्षेत्र में गोल दीवार बनाकर इसमें अदरक का रस भर दें। रोगी सीधा सोता रहे, इससे पानी जैसे बार बार हो रहे दस्त बंद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दस्त पानी की तरह हो रहा है और बार बार, वो बंद हो जाएगा। विधि नंबर थ्री, पीसा हुआ आंवला 10 ग्राम प्लस पीसी हुई छोटी हरड़ 5 ग्राम मिला लें। इसकी चौथाई चम्मच नित्य 2 बार पानी के साथ फंकी लें। हर प्रकार के दस्तों में लाभ होगा दोस्तों एवं पाचन शक्ति बढ़ेगी। पेचिश, जी हाँ दोस्तों, दस्तों में आंव और रक्त आता हो तो एक बड़ा चम्मच पीसा हुआ आंवला इतने ही शहद में मिलाकर नित्य 3 बार 10 दिन तक सेवन करें, आपको लाभ होगा दोस्तों। मस्तिष्क की शीतल रहे, जी हाँ, मस्तिष्क शीतल रहे, नींद अच्छी आए, इसके लिए आंवले का तेल सिर में लगाएं, इससे घने बाल काले और मुलायम रहते हैं। मस्तिष्क की कमजोरी, जी हाँ दोस्तों, नित्य खाली पेट 2 नग आंवले का मुरब्बा खाने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाती है। स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए नित्य प्रातः भूखे पेट 2 आंवले का मुरब्बा खाएं। बच्चों को पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता, बुढ़ापे में जिनके स्मरण शक्ति कमजोर हो गई हो उनके लिए आंवले के मुरब्बे का सेवन लाभकारी है दोस्तों। पेट के रोग, जी हाँ दोस्तों, 2 नग आंवले का मुरब्बा नित्य खाने से पेट के रोग नहीं होते हैं। पाचन शक्ति वर्धक, खाने के बाद 1 चम्मच सूखे आंवले के चूर्ण की फंकी लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है, मल बंद कर आता है। सोते समय लेने से कब्ज दूर होती है दोस्तों। कृमि, जी हाँ दोस्तों, 1 औंस ताज़ा आंवले का रस 2 चम्मच शहद मिलाकर नित्य 2 बार 7 दिन तक पीने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। शक्तिवर्धक, पीसा हुआ आंवला 1 चम्मच 2 चम्मच शहद में मिलाकर चाटें, ऊपर से दूध पिएं, इससे सदा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिन भर प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब ताज़ा आंवले मिलते हों तो प्रातः 1/2 कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद और 1/2 कप पानी मिलाकर पिएं, ऊपर से दूध पिएं, इससे थके हुए ज्ञान तंतुओं को उत्तम पोषण मिलता है दोस्तों। कुछ ही दिन नित्य पीने पर शरीर में नई शक्ति
और चेतना आएगी, जीवन में यौवन की बहार आएगी। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार आंवले का रस नित्य पीना चाहिए दोस्तों। छाले, जी हाँ दोस्तों, नित्य आंवले के दो मुरब्बे खाएं, आपके छाले ठीक हो जाएंगे दोस्तों। कायाकल्प, नित्य सुबह टहलने या व्यायाम करने के बाद ताजे आंवले के 5 चम्मच रस में 3 चम्मच शहद मिलाकर पिएं और 2 घंटे तक कुछ भी न लें। इस तरह ताज़ा आंवले के रस का सेवन 2 महीने तक नित्य करने से कायाकल्प हो जाता है दोस्तों। सदा स्वस्थ और निरोग रहने का यह श्रेष्ठ योग है। आंवला शक्ति का भंडार है, इसे हमेशा किसी न किसी रूप में लेते रहें। नित्य उपयोग हेतु कुछ विधियां हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। पहली, साग सब्जी में आंवला खटाई के रूप में प्रयोग करें। नंबर 2, आंवले की चटनी बनाकर खाएं, इसके रस में शहद मिलाकर शरबत की तरह पिएं। विधि नंबर 3, आंवले का अचार या मुरब्बा बनाकर खाएं। विधि नंबर 4, आंवले को उबालकर स्वाद की दृष्टि से शक्कर मसाले डालकर खाएं। यदि किसी भी प्रकार से आंवले का प्रयोग करते रहें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पौष्टिक भोजन के अभाव में होने वाले रोग नहीं होंगे, यदि रोग होंगे तो वे भी दूर हो जाएंगे। पीसा हुआ आंवला 2 चम्मच, देसी घी 1 चम्मच, शहद 3 चम्मच मिलाकर नियमित कुछ सप्ताह तक खाने से शरीर की कायापलट हो जाती है, नवजीवन का संचार होता है। च्यवनप्राश आंवले से ही बनता है। यह थकान, नेत्र, यकृत और मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करता है दोस्तों। विटामिन सी, जी हाँ, आंवले के 100 ग्राम गूदे में 500 से 700 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। एक ताज़ा आंवले में 2 संतरों के बराबर विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। स्कर्वी रोग के चलते शरीर के किसी भी भाग से रक्त स्त्राव हो सकता है, मसूड़े सूज जाते हैं और रक्त स्त्राव होने लगता है, शरीर की हड्डियां अपने आप टूट सकती हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को शरीर में कमजोरी महसूस होती है और वह स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है। यह रोग शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आंवले का नियमित सेवन करने से स्कर्वी रोग से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। सिर दर्द, 2 चम्मच पीसा हुआ आंवला इतने ही घी और शक्कर में मिलाकर सुबह शाम खाएं और ऊपर से दूध पिएं। इससे अनेक प्रकार के सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। कमजोरी से होने वाले सिर दर्द के लिए प्रातःकाल खाली पेट 2 नग आंवले के मुरब्बों का सेवन करना बहुत लाभदायक है। रक्त क्षीणता, जी हाँ दोस्तों, रक्त क्षीणता में 1/2 कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद थोड़ा सा पानी मिलाकर पीने से लाभ होता है दोस्तों। ग्लूकोमा, जी हाँ दोस्तों, कनखल हरिद्वार के स्वामी रामदेव ने प्राणायाम योग शिविर में कहा कि आमलकी रसायन, मतलब कि आंवले का रसायन 200 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत लौह 20 ग्राम, इन सबको मिलाकर 1 चम्मच नित्य सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ फंकी लेने से ग्लूकोमा में लाभ होता है। यह विद्यार्थियों एवं पढ़ने लिखने वालों के लिए भी लाभदायक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि एक आंवला हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद साबित होता है दोस्तों। तो इसीलिए आंवले का सेवन नित्य कोशिश करें कि हर रोज एक आंवला हम किसी भी प्रकार से अपने भोजन में सम्मिलित करें, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर आंवला जाए और हमारे बहुत से विकारों को एक आंवला दूर कर देता है दोस्तों। जी हाँ, शारीरिक विकारों को दूर कर देता है, रोगों को दूर कर देता है। तो अगली बार हम कुछ एक और औषधियों को लेकर आएंगे दोस्तों, कुछ और शोध करके लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।